व बीन एबल टू गिव अ पुश टू दी इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एसम एज ए होल सामूहिकता में विकास हो इसके प्रति एक उत्थान एक उछाल लेने का प्रयास पिछले पांच सालों में हुआ है और वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है जड़ मूल से पड़ी हुई समस्याओं का निवारण से लेकर और उन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ने का की योजना और उसके साथ साथ नए आयामों का का ओपनिंग अप यह भी पिछले पांच साल की सरकार में हुआ है जब हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग टायरलेसली तो हमारा उद्देश्य रहा जाति माटी और बेटी इन सबको स्ट्रेंथन करने का रहा और इसके साथ साथ संस्कृति की रक्षा असम प्रदेश की सुरक्षा और समृद्धि इसके प्रति हमारी कमिटमेंट रही है और उसको लेकर के हम आगे बढ़े हैं मिशन ब्रह्मपुत्र फ्लड जो यहां की एक समस्या बनी हुई है उसको नए नए तरीके से रोकने का प्रयास होगा और उसको साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की एक नई कहानी लिखे इसलिए इस पर हम बड़े पैमाने पर जाने का प्रयास करेंगे फिर साइंटिफिक तरीके से चाहे वो ड्रेजिंग हो फिर चाहे वो ट्रिब्यूटरीज का मैनेजमेंट हो फिर चाहे वो बिग रिजर्वर्स बना करके एक्स्ट्रा वॉटर को वहां पर समावेश करके रखने का प्रयास हो उसको संभाल करके रखने का प्रयास हो एंड अदर परपजेस के लिए वो इस्तेमाल हो सके इस तरीके का मिशन मोड में ब्रह्मपुत्र मिशन को हम लेकर के चलने वाले हैं ताकि हम फ्लड की ट्रेजिडी से बच सके इस बात का पहला प्रयास होगा उसी तरीके से हमारे यहां जो हमारे 30 लाख डिजर्विंग फैमिलीज हैं उनको हम अरुण उदय के योजना के तहत जिस कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को समर्पित करके हमने कार्यक्रम को चलाया और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम चला और उसमें हमने 830 रुपए प्रति माह देने का तय किया था ताकि हम आर्थिक दृष्टि से सबलीकरण की ओर फाइनेंशियल सपोर्ट के तरीके से उनको हम स्थान दे सकें यह अरुण उदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता तीन हजार देने का हम तय करेंगे दिस इज अवर कमिटमेंट ये हमारा संकल्प पत्र है एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारा यहाँ जब बहुत से भ्रम और परसेप्शंस की प्रॉब्लम आई तो हमारा कमिटमेंट ये है कि हम असम के राइट्स के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है उसको हम उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्यन इंडियन सिटीजन्स को और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम असम का रहे अहम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके इस बात का हम प्रयास करेंगे उसी तरीके से हमारी सिक्स कमिटमेंट संकल्प की है कि हम असम के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डीलिमिटेशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे असम इससे डीलिमिटेशन के प्रोसेस में पीछे रह गया है उसको हम फिर से एक्टिवेट करते हुए हम उस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे इसकी हम चिंता करेंगे मैंने पहले भी कहा कि सी ए एटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट एंड दिस टू बी इम्पलीमेंटेड इट विल भी इम्प्लीमेंटेड see एज फार एज infiltration इज कंसर्न वेरी क्लियरली वी शुड अंडरस्टैंड दैट कांग्रेस सपोर्ट्स इन अ वे इन्फिल्ट्रेशन BJP has been the only force which has not only been speaking but also trying to see to it that infiltration stops. And in the last five years, many efforts have been done. Scientific management of borders, taking the support of satellites also and also of the electronic gadgets, te technological solutions. And also strengthening the borders. So, as far as infiltration is concerned, we have been successful to a maximum level, and it is a continuous process which needs improvement, which we are going to do.